डियर फ्रेंड, नावी स्टार स्टैंडर्ड 10 मैथ्स चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। इसके पहले वीडियो के अंदर हमने एमसीक्यू बनाया था, अभी ये वीडियो बनाते हैं आंसर इन शॉर्ट। शॉर्ट में आंसर या 2 मार्क्स के क्वेश्चन का होगा, 3 मार्क भी पॉसिबल है, बट आंसर इन शॉर्ट के बारे में मैंने शॉर्ट वाले भी लॉन्ग में थोड़े ऐड किए हैं। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए बॉल ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल 2 ब्लू बॉल। इफ द वन बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्टेड बॉल इज ब्लू। तो मी स्टार्ट द आंसर। बैग कंटेन 3 रेड 2 ब्लू, टोटल 5 बॉल। इवेंट ए सिलेक्टेड बॉल इज ब्लू, तो पी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ द ब्लू बॉल अपॉन टोटल बॉल, पी ऑफ ए इक्वल टू 2/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्टिंग द ब्लू बॉल इज 2/5। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। ए पेयर ऑफ डाइस मीन्स 2 डाइस थ्रोन वन टाइम या वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द 2 नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, अलग टाइप का सम है। सम इज 5 आ गया, सम इज 12 भी आ सकता है, पर अलग टाइप का है। तो सम इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो बाय टॉसिंग द 2 डाइस टोटल आउटकम 1 1 1 2 1 3 1 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, टोटल आउटकम विल बी 36। तो टोटल आउटकम इक्वल कितना मिला अपने पास, 36। तो इवेंट ए द सम ऑन 2 डाइस इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो विच आर द परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है। जो एडिशन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ऐसे हमको नंबर चाहिए। तो सब पहला नंबर लेंगे 1 1 1 प्लस 1 2, तो 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1 प्लस 2 तो 3, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1 प्लस 3 4, तो 4 ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसी तरह हमको सिलेक्ट करने का है। इवेंट ए सम ऑन द 2 डाइस इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो विच नंबर आएंगे, तो ए इक्वल टू 1 3 2 2 2 प्लस 2 4 परफेक्ट स्क्वायर, 3 प्लस 1 4 परफेक्ट स्क्वायर, 3 प्लस 6 परफेक्ट 9 परफेक्ट स्क्वायर, 4 प्लस 5 9 परफेक्ट स्क्वायर, 5 प्लस 4 परफेक्ट स्क्वायर, 6 प्लस 3 9 परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स अपने को टोटल आउटकम फेवरेबल आउटकम ऑफ ए 7 मिले, तो पी ऑफ ए इक्वल टू फेवरेबल आउटकम ऑफ ए अपॉन टोटल आउटकम, व्हाट इज द फेवरेबल आउटकम, तो 7, टोटल आउटकम इक्वल टू 36, तो पी ऑफ ए इक्वल टू 7/36 इज आंसर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। सुकल पेन अनूप बोथ सोल्ड द 1000 लॉटरी टिकट इन विच 50 टिकट्स कैरी द प्राइज। इफ रुद्र परचेज 1 टिकट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रुद्र विन द प्राइज। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट इक्वल टू 1000, द टोटल प्राइज टिकट इक्वल टू 50। इवेंट ए रुद्र विन द प्राइज, तो पी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ द प्राइज टिकट अपॉन टोटल टिकट, तो नंबर ऑफ प्राइज टिकट कितनी है, तो 50 50 अपॉन 1000, 500 कैंसल, 5 1 जा 520 जा, तो पी ऑफ ए इक्वल टू 1/20 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4। ए मंथ इज सिलेक्टेड एट रैंडम इन ए ईयर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज द मे और जून। मे भी आ सकता है और जून महीना भी आ सकता है, ऐसे 12 मंथ में से अपने को सिलेक्ट करने का है। तो नाउ वी स्टार्ट द आंसर। टोटल नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर इक्वल टू 12, जनवरी फेब्रुआरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, टोटल 12। तो टोटल आउटकम विल बी 12 एंड इवेंट ए सिलेक्टेड मंथ इज मे और जून। मीन्स ए के अंदर क्या क्या आएगा, मे एंड जून दो आएगा, मतलब 2 है, तो पी ऑफ ए इक्वल टू फेवरेबल आउटकम ऑफ ए अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2,
टोटल आउटकम कितने हैं अपने पास 12, तो अपने पास कितने मिले, तो पी ऑफ ए इक्वल टू 2 अपॉन 12, 2 1 जा 2 6 जा, तो पी ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन 6, दिस इज द आंसर। नाउ वी स्टार्ट द एक्स्ट्रा सम विच इज द आई एम पी फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, मीन्स ए लेटर अल्फाबेट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज द वॉवल्स। नाउ वी स्टार्ट द आंसर, तो टोटल नंबर ऑफ द अल्फाबेट इन वर्ड इज ई एक्स ए एम आई एन ए टी ओ एन 11 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, तो कितना हुआ 11, तो टोटल आउटकम इक्वल टू 11। इवेंट ए मीन्स वॉयल्स इज सिलेक्टेड, तो ए इसके अंदर ई भी वॉयल्स हैं, ए भी आए, आई भी आए, ए आई ओ, टोटल 6 हम जानते हैं इंग्लिश के अंदर, तो कितने वॉयल्स हैं, तो ए ई आई ओ यू, इसके अंदर हमको सिलेक्ट करने का है कि कौन से अंदर ई आई ओ यू है, तो ई ए आई ए आई ओ, बराबर ए अपने पास मिले, तो पी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वॉवल्स इन अल्फाबेट इन द वर्ल्ड एग्जामिनेशन एंड टोटल अल्फाबेट इन वर्ड इन एग्जामिनेशन, तो पी ऑफ ए इक्वल टू 6 अपॉन 11 इज आंसर। नाउ सेकंड एक्स्ट्रा एग्जाम्पल विच इज ए इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड कार्ड ऑफ ए जैक, रेड कार्ड ऑफ ए जैक, रेड कार्ड और ए जैक, टोटल नंबर ऑफ कार्ड इक्वल टू 52 कार्ड, टोटल 52, रेड कलर कार 26 एंड ब्लैक कलर कार 26, टोटल जैक 4, टू रेड कलर जैक एंड टू ब्लैक कलर जैक, तो टोटल कार्ड रेड कार जैक एंड जैक इक्वल टू, तो रेड कार तो अपने पास 26 है, वो ऐड कर दिया, 26 के अंदर दो रेड कलर के जैक आ गए, दूसरे दो ऐड करना बाकी है, तो हमने 2 ऐड कर दिया, तो टोटल रेड कार्ड एंड जैक मिला के टोटल 28 कार्ड हुए। इवेंट ए, तो रेड कार्ड एंड जैक कार्ड इज सिलेक्टेड, तो पी ऑफ ए इक्वल टू 26 + 2 = 28 कार्ड, पी ऑफ ए इक्वल टू फेवरेबल आउटकम ऑफ ए अपॉन टोटल आउटकम, पी ऑफ ए इक्वल टू 28 अपॉन 52, तो 4 से 7 4 जा 13 4 जा, तो 7 अपॉन 13, पी ऑफ ए इक्वल टू 7 अपॉन 13 इज आंसर। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए क्वीन नॉर ए जैक, क्वीन भी नहीं है और जैक भी नहीं है, ऐसे कार्ड को हमको सिलेक्ट करने का है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52, इवेंट ए गेटिंग ए कार्ड ऑफ क्वीन और ए जैक, तो ए क्वीन ऑफ द हार्ट, क्वीन ऑफ द डायमंड, क्वीन ऑफ द क्लब, क्वीन ऑफ द स्पेड, मीन चारों चला गए, जैक भी चारों चला गए, मैंने टोटल कितने मिले अपने पास 8 मिले, तो पी ऑफ ए इक्वल टू फेवरेबल आउटकम ऑफ ए अपॉन टोटल आउटकम, 8 अपॉन टोटल 52, तो 4 2 जा 4 13 जा, तो 2 अपॉन 13, ये क्या मिला, तो जैक और क्वीन मिलने की प्रोबेबिलिटी मिली, तो अपने को नाइदर क्वीन नॉर जैक, तो पी ऑफ ए बार मीन्स पी ऑफ नाइदर ए क्वीन नॉर ए जैक, 1 - P(a) 1 - 2 upon 13। नाउ वी टेक द LCM, LCM इज 13, 13 - 13 - 2 = 11 upon 13, तो पी ऑफ नाइदर ए क्वीन नॉर जैक इक्वल टू 11 upon 13। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेस मीन्स फोटो कार्ड और एन एस कार्ड इक्का वाले कार्ड, तो नाउ वी स्टार्ट, टोटल कार्ड कितने हैं, तो 52, फेस कार्ड कितने हैं, तो 12, नंबर ऑफ एस बटा इक्का कितना होता है, 4 होता है, तो नंबर ऑफ द फेस एंड द एस कार्ड टोटल मिला के 12 + 4 = 16। इवेंट ए फेस कार्ड एंड एस कार्ड इज सिलेक्टेड, तो पी ऑफ ए इक्वल टू फेवरेबल आउटकम ऑफ ए अपॉन टोटल आउटकम,
तो फेवरेबल आउटकम कितने अपने मिले हैं, तो 16 मिले हैं। और टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल कार्ड 52 कार्ड है। हम देखेंगे 16 एंड 52 कार्ड, तो 16 अपन 52 ले लो, तो 16 का टेबल 4 जा 16, 13 4 जा 52, तो 4 जा 16 13, पी ऑफ ए इक्वल टू 4/13, दिस इज द आंसर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रेन टुमारो इज 0.7, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो। बारिश आने की संभावना 0.7 है, प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी। इवेंट ए, इट विल बी रेन टुमारो, ए बार इट विल बी नॉट रेन टुमारो, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1, पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, तो 1 माइनस 0.7, तो 1.0 माइनस 0.7 0, 10 माइनस 7 तो 3, 0.3। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। ए बॉक्स कंटेन 600 इलेक्ट्रिक बल्ब, कंटेन द 24 डिफेक्टिव बल्ब, वन बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट इज अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब। नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन। टोटल इलेक्ट्रिक बल्ब इन बॉक्स इक्वल टू 600, डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू 24, तो 600 में से 24 माइनस कर दो, तो 576 बॉल कैसे हो, बल्ब कैसे हो गए, तो नॉन डिफेक्टिव हो गए। तो टोटल 600 बल्ब थे, इफेक्टिव बल्ब 24 माइनस किए, तो गुड बल्ब मिस नॉन डिफेक्टिव बल्ब 576 हुआ। इवेंट ए, सिलेक्टेड बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव बल्ब, पी ऑफ ए नंबर ऑफ द नॉन डिफेक्टिव बल्ब अपॉन टोटल बल्ब, तो पी ऑफ ए इक्वल टू 576 अपॉन 600, हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 5 जा 60, 12 से डिवाइड करेंगे तो 48 आएगा, 48 अपॉन 50 24 25, तो 24 अपॉन 25, तो पी ऑफ ए इक्वल टू 24 अपॉन 25, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, सिलेक्टेड बल्ब विच इज नॉन डिफेक्टिव, पी ऑफ ए इक्वल टू 24/25। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड ए प्रोबेबिलिटी गेटिंग द 5 संडे इन फेब्रुआरी इन ए ऑर्डिनरी ईयर मीन्स नॉन लीप ईयर, इन ऑर्डिनरी ईयर मीन्स नॉन लीप ईयर टोटल डे 365, इन फेब्रुआरी टोटल डे 28। इवेंट ए, 5 संडे इन फेब्रुआरी मंथ, तो 28 इक्वल टू 7 × 4, रिमाइंडर 0, पी ऑफ ए इक्वल टू 8/7, 0/7 तो कितना हुआ 0। इट इज इम्पॉसिबल इवेंट बिकॉज ओनली 4 वीक आर इन फेब्रुआरी इन नॉन लीप ईयर, नॉट एनी एक्स्ट्रा डे मोर देन 4 वीक, देयरफॉर इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज 0। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 10। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग और ए ब्लैक सूट, किंग ऑफ ए ब्लैक सूट, ब्लैक कलर वाला किंग, टोटल कार्ड 52 है। इवेंट ए, गेटिंग द किंग ऑफ द ब्लैक सूट, तो ए के अंदर कौन कौन से किंग आएंगे, तो किंग ऑफ द स्पेड मतलब कालिका दूसरा फुली, किंग ऑफ द क्लब दो आए, तो टोटल 2 इवेंट फेवरेबल हुआ, तो पी ऑफ ए इक्वल टू 2/52 इक्वल टू 2 1 जा 2 26 जा, तो 1/26। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल, 8 ग्रीन बॉल एंड 7 वाइट बॉल, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन बॉल सिलेक्टेड इज वाइट। नाउ वी स्टार्ट द आंसर। ए बॉल कंटेन 5 रेड बॉल, 8 ग्रीन बॉल, 7 वाइट बॉल, टोटल बॉल कितना हुआ, तो 20 5 + 8 13 + 7 20। इवेंट ए, व्हाट इज वाइट बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, तो पी ऑफ ए इक्वल टू
नंबर ऑफ वाइट बॉल अपॉन टोटल बॉल, तो वाइट बॉल कितने हैं अपने पास, तो 7 है, टोटल बॉल 20 है, तो पी ऑफ ए इक्वल टू 7/20। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। ए एंड बी आर टू फ्रेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द डिफरेंट बर्थडे। ए और बी दोनों फ्रेंड है, इसके बर्थडे डिफरेंट हो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। तो जनरली वी हैव टू काउंट द नॉर्मल ईयर, लेट ए एंड बी टू फ्रेंड हैव द सेम बर्थडे, इवेंट ई ए एंड बी हैव द सेम बर्थडे। तो इन नॉर्मल ईयर, सपोज इन नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर या नॉन लीप ईयर, लीप ईयर अपने को ये सपोज करके होता है, तो पी ऑफ पी इक्वल टू, तो वन डे मिलेगा दोनों का सेम है इसलिए 1/365। ई बार डिनोट द डिफरेंट बर्थडे ऑफ द टू फ्रेंड, तो पी ऑफ ई बार इक्वल टू 1 - P of E, 1 - 1/365, तो P of E bar equal to LCM 365 × 1/365 -1/365, तो P of E bar equal to 364/365। नंबर 13, द फोटो मीन्स फेस कार्ड आर द रिमूव फॉर फ्रॉम द 52 कार्ड। जो फेस कार्ड है, फोटो वाले कार्ड है, हमको 52 कार्ड में से रिमूव कर दिया, एंड इन वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ए डायमंड, डायमंड का कार्ड हो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। तो नाउ वी स्टार्ट द आंसर। टोटल प्लेइंग कार्ड इक्वल टू 52, फेस कार्ड इक्वल टू 12, 3 कार्ड हार्ट के होते हैं, 3 डायमंड के होते हैं, 3 क्लब के होते हैं, 3 स्पीड पे होते हैं, मीन्स जैक क्वीन एंड किंग तीनों तीन चार चार में होते हैं, 3 × 4 = 12। टोटल फेस कार्ड कितने हुए, 12 हुए, तो रिमेनिंग कार्ड 52 - 12 = 40। इवेंट ए, वन कार्ड इज सिलेक्टेड एज ए डायमंड कार्ड, तो इवेंट पी ऑफ पी इक्वल टू नंबर ऑफ रिमेनिंग डायमंड कार्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड। तो डायमंड कार्ड कितने बटने पर बचे थे, तो सब 10 बचे थे, 13 में से 3 चला गया, तो 10/40 द फेवरेबल आउटकम ऑफ द इवेंट एंड टोटल आउटकम, तो 10/40 0-0 कट हो गया, पी ऑफ पी इक्वल टू 1/4, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 14। 3 कॉइन आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट टू 3 हेड, मैक्सिमम 3 हेड होने चाहिए। इसका मतलब 0 भी हेड पॉसिबल है, 1 भी हेड पॉसिबल है, 2 भी हेड पॉसिबल है। तो एंड स्टार्ट आंसर, टॉसिंग द 3 कॉइन टोटल आउटकम आर HHH HHT HTH THH। बी एच का TT पुट कर दो, TTT TTH THST STT, टोटल आउटकम कितने मिले, तो 8 मिले, टोटल आउटकम इक्वल 8। इवेंट ए, एट मोस्ट 3 हेड, मैक्सिमम 3 हेड होना चाहिए, यहाँ 3 से ज़्यादा पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब सब चीज़ सब आ गए। इवेंट ए के अंदर जितने भी आउटकम है सबके सब मैंने लिख दिए, तो आउट 8 फेवरेबल आउटकम ऑफ ए इक्वल टू 8, तो टोटल पी ऑफ ए इक्वल टू 8/8 मीन्स 1, तो पी ऑफ ए इक्वल टू 1। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन विल गेट 75 मार्क्स इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ द 100 मार्क्स पेपर। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के पेपर के अंदर से 75 मार्क्स ऑप्टेन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी। तो नाउ स्टार्ट आंसर, टोटल मार्क्स इक्वल टू 100, टोटल आउटकम इक्वल टू 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 99, 100 भी आ सकते हैं। तो 1 से लेके 100 + 1, 101 टोटल आउटकम मिले, तो टोटल आउटकम इक्वल टू 101। इवेंट ए, 75 मार्क्स इज ऑप्टेन, अंदर 75 बीच में एक ही फिगर होगी, तो ए इक्वल टू 75 में से 1 फेवरेबल आउटकम मिला, पी ऑफ ए इक्वल टू फेवरेबल आउटकम ऑफ ए अपॉन टोटल आउटकम, पी ऑफ ए इक्वल टू 1/100
1. Now question number 16. If P of A equal to 2 upon 7, then P of A bar equal to dash. So P of A equal to 2 upon 7, P of A plus P of A bar equal to 1, formula hai. So P of A bar equal to 1 minus P of A, 1 minus 2 upon 7, 7 1 just 7 minus 2 upon 7, 7 minus 2 means 5 upon 7, so P of A equal to 5 upon 7 is answer. Question number 17. In the mathematics examination of 80 marks paper, what is the probability of getting the 0 marks? तो मोस्टली सब बना करके जीरो मार्क्स कैसे आ सकता है, पर यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की है. आंसर इन 80 मार्क्स पेपर ऑफ मैथमेटिक्स टोटल आउटकम जीरो भी आ सकता है, वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, 80 आ सकता है. टोटल आउटकम कितने मिले? 81 इवेंट है, तो जीरो मार्क्स ऑफ 10, जीरो मत ओनली वन इवेंट ही है. तो पी ऑफ ए इक्वल टू फेवरेबल आउटकम ऑफ ए अपॉन टोटल आउटकम, पी ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन 81. टोटल फेवरेबल 1 था, टोटल कितना था? 81. तो पी ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन 81. नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन डाइज हु टेक द बर्थ, जिसका बर्थ होता है वो मरने वाले है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो फॉर एनी ऑर्गेनिज्म वन डाई हु टेक द बर्थ, जिसका बर्थ होता है वो मरने वाला ही है, मतलब दिस इज ए शॉर्ट इन इवेंट है, ये होता ही रहता है, कोई इमोर्टल नहीं है, इट इज अ शॉर्ट इन इवेंट, एवर प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1. नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 19. फ्रॉम द फॉरकास्ट गिवन द वेदर फॉरकास्टिंग ऑफिस, जो वेदर के लिए फॉरकास्ट करते हैं वो ऑफिस वाले ने फॉरकास्ट किया, तो लोगों ने सब में एवरेज 25 डेज का फोरकास्टिंग का मतलब समरी किया. तो ये समरी के अंदर 20 डे के अंदर वो करेक्ट थे, बाकी डे के अंदर वो फॉल्स थे. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फोरकास्टिंग इज ट्रू, तो टोटल डे ऑफ फोरकास्टिंग इक्वल टू कितने हैं? 25. आउट ऑफ 25 डे फोरकास्टिंग वेदर 20 डे करेक्ट फोरकास्टिंग वेदर दैट इवेंट ए, तो करेक्ट फोरकास्टिंग वेदर, वेदर का जो फोरकास्टिंग करते हैं वो करेक्ट नहीं होता है. सपोज भाई वेदर वाले बोले कि बारिश आने का चांसेस है, तो बारिश आ गया इस बोलते हैं करेक्ट फोरकास्टिंग बोलते हैं. तो इवेंट ए द करेक्ट फोरकास्टिंग ऑफ द वेदर, तो पी ऑफ ए इक्वल टू करेक्ट फोरकास्टिंग डे ऑफ द वेदर अपॉन टोटल डे, करेक्ट कितने थे? तो अपने पास 20 और टोटल कितने थे? तो 25, तो 5 4 जाम 5 5 जाम, तो 4 upon 5, पी ऑफ ए इक्वल टू 4 upon 5, दिस इज आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. फॉर एन इवेंट पी ऑफ ए इज टू पी ऑफ ए बार इक्वल टू 2:5, फाइंड पी ऑफ ए एंड पी ऑफ ए बार. मोस्ट मोस्ट आई एम पी समय आई एम पी क्वेश्चन है पी ऑफ ए इज टू पी ऑफ ए बार इक्वल टू 2:5, लेट पी ऑफ ए इक्वल टू 2k, पी ऑफ ए बार इक्वल टू 5k, k ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1, यहाँ 2k प्लस एक बार की वैल्यू 5k इक्वल टू 1, तो 2k प्लस 5k इक्वल टू 7k इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू 1/7. हमने पास पी ऑफ ए कितना है? तो 2k है. पी ऑफ ए बार कितना है? तो 5k है. हम k की वैल्यू पुट करेंगे, 2 into k 2 into 1/7, 2 1 2/7, तो पी ऑफ ए इक्वल टू 2/7, पी ऑफ ए बार इक्वल टू 5k, 5 into 1/7, तो 5/7. दूसरी भी मेथड है, पी ऑफ ए आ गया तो पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1 minus p of a, ले लो 1 minus 2/7, LCM इज 7, तो 7 minus 2 इक्वल टू 5/7, तो पी ऑफ ए बार इक्वल टू 5/7, ये भी आंसर आ सकता है, आएगा ही, दोनों आंसर सेम है. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 21. ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल सम ब्लू बॉल, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल
is double than a red ball, find the number of the blue ball in a bag. Now we start the answer. A bag contain 5 red ball. And हम suppose करेंगे कभी blue ball कितने हैं, x है, तो total number of ball कितने हो गए, तो x plus 5. Event A, red ball is selected. P of A equal to number of red ball upon total ball. Red ball कितने हैं, तो 5 थे. Total ball कितने थे, तो x plus 5. तो P of A equal to 5 upon x plus 5. Event B ले लो, blue ball is selected at random. तो P of B equal to number of blue ball upon total ball. तो हम देखो number of blue ball कितने हैं, तो x है. Total ball कितने हैं, x plus 5. तो total अपने पास probability मिलेगी x upon x plus 5. मुझे इसको number 2 दे दो. पर probability दिया क्या हुआ है, तो probability of selected blue ball is double than the probability of selecting the red ball. Means P of B equal to 2 times P of A. ऐसा आपने को दिया हुआ है. तो P of B की वैल्यू हम जानते हैं, x upon x plus 5 equal to 2 times equal जानते हैं 5 upon x plus 5. तो दोनों साइड x plus 5 कैंसिल हो जाएगा. x equal to 2 multiply 5. 2 5 जा 10. तो number of blue ball equal कितना हुआ, 10. This is the answer. Question number 22. Suppose you target an arrow on a board having the length 6 by 5, a triangle having the measure 3-4-5 meter. What is the probability that the shooter target, yeah, you target the triangle by the arrow? So now we start the answer. Length of the board is 6 meter, breadth of the board equal to 5 meter. The area of the board L into B, 6 into 5 equal to 30 meter square. 6 by 30. Now triangle का measurement दिया हुआ है अपने पास 3-4-5. तो कौन सा base लेना है, attribute लेना है, इसके बारे में हमको detect करना पड़ेगा. पहले 3 square plus 4 square, 9 plus 16, 25 equal to 5 square. Therefore 3 square plus 4 square equal to कितना मिला, तो 5 square. Therefore according to the converse of Pythagoras theorem, triangle is a right angle. तो हम diagram draw करेंगे, right angle draw कर लेंगे. इसके लिए अपने पास ये base हो गया, ये altitude हो गया. Area of triangle equal to 1 upon 2 base into altitude, 1 upon 2 into 4 into 3, 2 1 जा 2 2 जा 3 2 जा 6 meter square. Event A, shooter as you or you means I target the triangle by the arrow. P of A equal to area of the triangle upon area of the rectangle. The area of triangle अपने पास कितना मिला, area of triangle 6 है. Area of rectangle अपने पास कितना था, 30 था. तो P of A equal to 6 upon 30, 6 1 जा 6, 6 5 जा. तो P of A equal to 1 upon 5. तो target and triangle is 1 upon 5. Probability of target and triangle is 1 upon 5. Now we start question number 23. A jar contains 24 marble, some are green and other are blue. If a marble is drawn at random from the jar, probability that is the green is 2 upon 3. Means the probability of the green was selected is 2 upon 3. The number of blue ball kitne hoge? So total number of the ball 24 ball in jar. Green ball hum x suppose karenge, marble x suppose karenge. To jo blue hoge ye kitne hoge, to 24 minus x. The probability of the event A, green marble is selected. To P of A equal to green marble kitna hai, x hai. Total kitne hai, 24. X upon 24. Par P of A apne ko kitna diya hua hai, तो 2 upon 3 दिया हुआ है. तो 2 upon 3 equal to x upon 24. Now cross multiply करेंगे, x equal to 2 into 24 upon 3. तो 8 जा 8 2 जा 16, x equal to 16. तो green marble 16 हो गए, तो blue marble कितने हो गए, total 24 है. 24 में से 16 minus कर दो, तो 8 blue marble मिलेगी.
Now start question number 24. What is the value of x if the probability of selected red ball out of total ball in a box is x plus 1 upon 6? A probability diye. Number of red ball is 5, blue ball 8, white ball 7. Now we start the solution. A box contain red ball to 5, blue ball to 8, white ball 7. So total ball kitne hue 20. At event A, red ball is selected. P of A equal to number of red ball upon total ball. But P of A apne ko diya hua hai. X plus 1 upon 6 is the given. Jab P of A ka hum kya put karenge? X plus 1 upon 6. X plus 1 upon 6 equal to 5 upon 20. X plus 1 upon 6 equal to 5 1 ja 5 4 ja 1 upon 4. तो x प्लस 1 अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन 4. 1 अपॉन 6 को साइड चेंज कर लेंगे. x इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 6. 4 और 6 का एलसीएम लेंगे 12. तो 12 डिवाइड बाय 4 तो 3, 3 बन जा 3. 12 डिवाइड बाय 6 तो 2 बन जा 2. 3 माइनस 1 2 तो 1 अपॉन 12. वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन 12 कितनी वैल्यू मिली? x इक्वल टू 1 अपॉन 10. ये सब इंपॉर्टेंट है. ना भी Start the last question. In test of probability chapter, in competition to win the prize by the Chitrang, following student gave the answer whose answer is incorrect for the probability to win. Number 1, Akshat answer 50% jitega. Meet bolta hai 2/5 probability hai. ब्रिजेश बोलता है 110% जीतेगा. श्लोक बोलता है 90% चांसेस है. रुद्र बोलता है प्रोबेबिलिटी 5/2 है. ओमकार बोलता है 19/20 है. शेफा बोलती है 3/5 प्रोबेबिलिटी है. कुंजिता बोलती है 6/10 प्रोबेबिलिटी है. सुहानी बोलती है 11/12. साक्षी बोलती है 24/25. दक्ष बोलते हैं 101% चांसेस में प्रोबेबिलिटी है. मन कहता है तभी 12/25 है. उमंग बोलता है 200% प्रोबेबिलिटी है. राहुल बोलता है 500% है. एंड रिमेनिंग स्टूडेंट ऑफ क्लास इसे कभी 50% चांसेस है. तो विच आंसर इज इनकरेक्ट. पहले हमको सोचने का, हमने पहले बताया था कभी कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है 0 से ज़्यादा होती है और 1 से कम होती है. मतलब 50% मतलब 50/100 मिस राइट है. 2/5 लेस देन 1 ये भी राइट है. 110% 110/100 मिस 1 से ज़्यादा हो गया ये पॉसिबल नहीं है. श्लोक बोलते हैं 90/100 ये ट्रू है. रुद्र बोलता है 5/2 ये भी 1 से ज़्यादा है ये फॉल्स है. ओमकार बोलते हैं 19/20 ये ट्रू है 1 से कम है. शिफा बोलती है 3/5 ये भी 1 से कम है. ये भी 1 से कम है. ये भी 1 से ज़्यादा है इसलिए ये आंसर रॉन्ग है. साक्षी बोलती है 24/8 ये भी 1 से कम है. ये भी 1 से ज़्यादा है. ये 1 से कम 200 1 से ज़्यादा. राहुल का भी 500 है मतलब 1 से ज़्यादा है. सब दूसरा सबका है 50% मतलब 1 से कम है. तो हुज आंसर इज इनकरेक्ट? तो ब्रिजेश आंसर, रुद्र आंसर, सुहानीज आंसर, दक्ष आंसर, उमंग आंसर एंड राहुल आंसर आर इनकरेक्ट बिकॉज 0 लेस और इक्वल टू पी ऑफ ए लेस और इक्वल टू 1. दिस इज द मेन प्रॉपर्टी है. ये प्रॉपर्टी के हिसाब से हम बोल सकते हैं कभी आंसर रॉन्ग है. जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा होता है इसकी वैल्यू 1 से छोटी होती है. इसलिए आप लोग कंपल्सरी डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए एंड नॉन नेगेटिव होना चाहिए. तो अगर वीडियो लाइक अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ध्यान से समझना. टोटल हमने 25 एमसीक्यू एंड 25 आंसर इन शॉर्ट क्वेश्चन बनाए. टोटल 50 क्वेश्चन है जो बोर्ड के अंदर आने का चांसेस है. एक भी क्वेश्चन बोर्ड में से इसमें से बाहर नहीं आ सकता ऐसा मेरा होप है. मैं मानता हूँ ऐसा है इसके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं. तो ये 25 टोटल 50 क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लेना
ध्यान से कर लेना, तो मार्क्स अपने एक भी मार्क्स प्रॉब्लम में जाएगा नहीं। थैंक यू वेरी मच।